वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी न्यू लेटेस्ट वाली वीडियो। हेलो नमस्ते, मैं अमित, आपका स्वागत है हमारी न्यू वीडियो में। क्या आपके संडायरेक्ट डीटीएच का रिमोट खराब हो चुका है? आप जानना चाहते हो कि आप अपने मोबाइल को संडायरेक्ट डीटीएच का रिमोट कैसे बना सकते हो? तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। आज हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे यदि आपका रिमोट खराब हो चुका है और आप रिमोट नहीं ला पा रहे हो तो आप अपने ही मोबाइल को, जो आपका मोबाइल है, स्मार्टफोन है, उसको आप रिमोट कैसे बना सकते हो और कोई भी चैनल आप कैसे बदल सकते हो या फिर आपको वॉल्यूम करनी है वो कैसे कर सकते हो। जो रिमोट में फैसिलिटी है वो सब आप अपने मोबाइल से कर सकते हो। सिर्फ एक ऐप आपको संडायरेक्ट की डाउनलोड करनी पड़ेगी, जो हम आपको बता देंगे कि किस तरीके से आपको, वो कौन सी ऐप है जो आपको डाउनलोड करनी है जिसके द्वारा आप अपने जो मोबाइल है उसको रिमोट बना सकते हो। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, अब हम अपने मोबाइल पे आ चुके हैं। अब आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में आ जाना है जहां से आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो। यहां पे आपको सिंपल से लिख देना है सन डायरेक्ट रिमोट कंट्रोल ऐप सर्च में। सर्च मारने के बाद आपको इस तरीके का इस एप्लीकेशन का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इसको इंस्टॉल की हुई है तो मैं इसको डायरेक्ट ओपन कर लेता हूं। ओपन कर लेने के बाद आपको इसका, इस ऐप का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। आपको यहां पे 5 तरीके के रिमोट मिलेंगे, 2, 3, 4, 5, इस तरीके के आपको 5 तरीके के यहां पे आपको रिमोट मिलेंगे। जो भी आपके डीटीएच का रिमोट हो, जो भी आपके संडायरेक्ट डीटीएच छतरी के साथ आपको रिमोट मिला है, आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मुझे ये रिमोट मिला है तो मैं इसको इस पे रिमोट पे डबल टैप करके इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। तो सिलेक्ट कर लेने के बाद इस तरीके से ये रिमोट आपको आपके मोबाइल में आ जाएगा। अब आपको यहां पे अगर आपको उस चैनल बदलना है तो जैसे कि चैनल वाला ये है, तो देखो दोस्तों इस तरीके से वर्क करेगा आईवीआर रिमोट जो है आपको मोबाइल में वर्क करेगा। अगर आपको मोबाइल बदलना है तो मोबाइल भी, या फिर आपको और भी पावर के बटन से कुछ काम करना है तो इस तरीके से आपका जो है टीवी यहां पे आपका काम करेगा। दोस्तों इस तरीके से आप अपने स्मार्टफोन को जो है संडायरेक्ट डीटीएच का रिमोट बना सकते हो। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।